हाय व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि हम तीनों ने फोटो ले लिया, यहाँ से हम चलते हैं और आपको वहाँ भी एंट्री कराते हैं और दिखाते हैं कि कुलाबा फोर्ट में क्या क्या है। तो ये देखते हैं, ये सबसे पहले खा ले रहा है भाई जो है ना, और बहुत अच्छी नहीं है। और जो आज हमारा गाइड है ना, यही है और यही पूरी जानकारी देगा। इसके लिए बिरयानी कैसे लग रही है आपको? मान लिया आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है, इस व्लॉग में हम आप सबको लेके जाने वाले हैं अलीबाग। और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ रेलवे स्टेशन के बाहर। जैसे कि ये आपको जो दिख रहा है, यह CST स्टेशन, और यहाँ से हम चलते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ से चलना होगा, 116 नंबर की बस पकड़नी होगी, वहाँ से हमें जाना होगा गेटवे ऑफ इंडिया। उसके बाद वहाँ से हमें लेनी होगी फेरी, फेरी से वहाँ से कम हमें एक घंटा तो लग जाएगा हमें जाने के लिए। तो गाइस चलते हैं। तो यार अगर हमारी यूट्यूब वीडियो पर नए हैं तो यार वीडियो करना लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना गाइस। तो चलते हैं हम आप सबको लेकर। तो गाइस जैसे कि हमें बस ड्राइव कर दी है और हमारे बैक साइड में देख सकते हैं बस जा रही है ड्राइव करके, और अब हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल इंडिया गेट के पास। और यहाँ से हम सबसे पहले कुछ खा भी लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय का रास्ता है, और यहाँ से हम ले लेते हैं। और हमारे यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे जान से हमको लगता है यहाँ पर बिंदु वड़ा खा रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे लेते हैं लंच। उसके बाद फिर से चलते हैं, आपको दिखाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुँचने के बाद। जैसे कि हम पहुँच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने, और ये हमारे बैक साइड में आपको दिख रहा होगा ताजमहल पैलेस, और ये है ताज होटल। और ये देख सकते हैं आप हमारे बैक साइड में देख सकते हैं, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। और अब हम चलते हैं, पूछते हैं फेरी की यहाँ कितने टाइम के बाद जाएगी फेरी, और देखते हैं क्या कॉस्ट होता है, प्राइस क्या होती है टिकट की। तो यार गाइस जैसे कि हमें सुबह ही उठे और देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने को। यार वीडियो में बने रहना, और ये सब हमारे तीन लोग साथी हैं और हम ये तो बिल्कुल छोड़े चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। और ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर फेरी लगी हुई है। तो चाहे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बैक साइड में बहुत ज़्यादा फेरी है, और यहाँ पर एक फेरी आई हुई है। देखते हैं ये वाली फेरी जाती है कि नहीं, बात करते हैं कि कितनी कॉस्ट होता है इसकी प्राइस इसका टिकट का। और यहाँ पर टिकट भी मिल रहा है। अभी मैंने बोर्ड के पास गया था और बात की थी, वो बोले कि 9:45 पे यहाँ से जाएगी। तो यार गाइस तब तक हम गेटवे ऑफ इंडिया के सामने अपने सारे फ्रेंड के साथ ले लेते हैं फ़ोटो। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैक साइड में ये फ़ोटो ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं काफ़ी ज़्यादा सारे फेरी इधर है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुबह यहाँ पे आते हैं, जैसे कि जाने के लिए एलिफेंटा क्यूब या तो अलीबाग दूर दूर का विज़िट करने के लिए जाते हैं। तो गाइस हम चलते हैं, तो फ़ोटो वोटो ले लेते हैं। तब तक अभी जो बज रहा है ना, 9:33 हो चुके हैं, सिर्फ 15 मिनट का ही टाइम है, और 9 मिनट तब तक हम 15 मिनट में फ़ोटो वोटो ले लेते हैं। जैसे कि हम तीनों ने फ़ोटो ले लिया, और अगर आपको फ़ोटो देखना है तो हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंस्टा आईडी दिख जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे फ़ोटोज को देख सकते हैं। हमने वहाँ पर अपने इंस्टा आईडी पर अपलोड करेंगे फ़ोटो को। और अब टाइम तो हो चुका है, सिर्फ 5 ही मिनट बचा है अलीबाग बोर्ड को जाने के लिए, सिर्फ 5 ही मिनट बचा है। तो चलते हैं हम बोर्ड पर बैठ जाते हैं, क्योंकि बोर्ड जो है ना ओवर हो जाएगी तो फिर हमें दूसरी बोर्ड को इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं हम बोर्ड के पास। अगर आपको गेटवे ऑफ इंडिया का व्लॉग या तो ताज का व्लॉग देखना हो, तो हमने अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले से ही व्लॉग बनाया हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया और ताज का, और उसमें साथ साथ मैरिन ड्राइव का भी है। तो यार गाइस ये सब हमारे साथी हैं। तो गाइस कहाँ जा रहे हैं हम आज? हम लोग जा रहे हैं अलीबाग। अभी अरे शादाब भाई हैं, इनको तो हमारे यूट्यूब वीडियो में काफ़ी वीडियो में देखे हुए, और ये जो बोट है सिर्फ 1 मिनट और बचा हुआ है। तो चलते हैं बोट के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी बोट चलने लगी है, और जो प्राइस का टिकट का प्राइस था 150 ले रहा, और यहाँ पर काफ़ी दूर आ चुके हैं, और गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो गाइस यहाँ का देखते हैं सफ़र कितने टाइम का होता है, और हम आपको पूरी जानकारी देंगे वीडियो में। टाइप कर चुके हैं और हम मंडवाला बीच पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अब चलेंगे इस, ये आपको दिख रहा होगा, इस ब्रिज पे चलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम तीनों लोग पहुँच चुके हैं और इस ब्रिज पे चलेंगे, उसके बाद वहाँ से मंडवाला जाना होगा। तो चाहे चलते हैं, जैसे कि अगर अलीबाग जाना है तो यहाँ से बस मिलते हैं। जो ब्रिज है ना बिल्कुल हिल रही है, क्या चीज़ बनाया है इन्होंने। और यहाँ पर देख सकते हैं ये था बोट के ऊपर की टेरिस, और कितनी गजब की थी। और जैसे कि ऊपर नहीं जाने दिए, नहीं तो हम ऊपर का भी सीन दिखा दे आपको, लेकिन ये जो ब्रिज है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो गाइस लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ से मंडवाला ब्रिज देखे हैं यहाँ से कैसे जाना चाहिए, क्योंकि हम भी फर्स्ट बार आए हैं। कैसे देखते हैं, कैसे चलोगे मंडवाला ब्रिज? हम लोग चलेंगे अभी बस पकड़ के चलेंगे। तो बस पकड़ना होगा यहाँ से, लेकिन यार जैसे कि हमें लग रहा है कि यहाँ से सीधा सीधा ऐसे ब्रिज लगी हुई है,
और ये ब्रिज उधर सीधा निकल जाएगी मंडवाला बीच के पास। तो चलते हैं, दिखाते हैं हम आप सबको। हमें गेटवे ऑफ इंडिया से सीधा सीधा आने के लिए मंडवाला बीच, यहाँ पर सीधा अलीबाग जाने के लिए सिर्फ जो बोट पे टाइम लगाया ना 1 घंटा लगाया और 150 का वहाँ पर हमें टिकट मिला था। और देखते हैं यार गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गाड़ी आ रही है, शायद हमें ये ले चले क्योंकि हमने ये बुक किया है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो आ रही है ये भी ड्राइव करते होंगे किसी ना किसी को, जैसे कि बुक कर रहे हैं तो इसका हमें नहीं पता है, लेकिन ये है। और अब यहाँ से हम चलते जा रहे हैं, जैसे कि 100 मीटर दूर है मंडवाला भी, यहाँ से एग्ज़िट है और यहाँ से हम एग्ज़िट होने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आपको बाहर जाना है तो यहाँ से ऐसे कट से रास्ता बना हुआ है और हमारे सारे दोस्त जो है आगे चले गए हैं और हम वीडियो बनाते बनाते पीछे रह गए, तो हम भी चलते हैं और बाहर आपको दिखाते हैं। उसके बाद वहाँ पर आपको दिख जाएगा अलीबाग का, आपको वहाँ पर बड़ा सा लोगो दिखेगा, वहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर एंट्री करवाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है समीर बाय द वे और ये है गेट, देख सकते हैं अलीबाग का, ये जो है हैशटैग अलीबाग और यहाँ पर इसके नीचे दिया गया है, तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। और यहाँ से सीधे चलते हैं अलमांडवा बीच। तो जैसे कि वहाँ से हम एग्जिट हुए, उसके बाद हमें जैसे कि वहाँ से बस लेना था, लेकिन वहाँ से बस नहीं लिए तो यार वहाँ से ज़्यादा वहाँ से प्राइस ले रहे थे, जैसे कि अगर ऑटो का जो शेयरिंग रिक्शा उधर से नहीं मिल रही थी, तो हम यहाँ से प्राइवेट ऑटो किए और ये कुलाबा फोर्ट हम जा रहे हैं और यहाँ से सिर्फ हमको ले जाने के लिए 450 रुपये चार्ज लेंगे और ये सब हमारे साथ में है, जैसे कि देख सकते हैं। तो काफ़ी दिक्कत होने के बाद हमें यहाँ से मिले है ऑटो, तो गाइस लेके चलते हैं। और हमें से यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ना, पूरा गांव का नज़ारा दिख रहा है, जैसे कि विलेज वाला जो हमारे विलेज में रहता है ऐसा नज़ारा। तो से आज नीचे आ चुके हैं और ऑटो से उतर चुके हैं, तो यहाँ से हम अलीबाग बीच पे अभी आ चुके हैं, जैसे कि कुलाबा फोर्ट। और यहाँ से जाने के लिए आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आपको घोड़ा सवार करना पड़ेगा और यहाँ से ऊँट भी जाते हैं, एनिमल्स भी जाता है कुलाबा फोर्ट के लिए। और लेकिन यहाँ पे हम जाने वाले हैं सिर्फ पैदल इस समुंदर को पार करने के लिए, आज मैं समुंदर में ही रहूँगा सबसे पहली बार। तो और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कुलाबा फोर्ट की कितना दूर है, ये आपको जो दिख रहा है इधर ये है कुलाबा फोर्ट और यहाँ से हम लोग समुंदर के बीच से चलने वाले हैं और पैदल ही जाने वाले हैं। और अगर आपको जाना है तो यहाँ से आपको ये जो एनिमल्स दिख रहा है, अगर इसका सवारी करना है तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज लगेगा और आपको वहाँ पर छोड़ेंगे। तो चलते हैं जैसे कि हमारे चारों साथी और खाने के लिए हम ले चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्ण जी कलिंगड़ और इसको सब लोग ऐसे खा रहे थे, बंदर खाते हैं। अभी तो मान लो हम पैदल चल रहे हैं, लेकिन न जाने अगर जब रिटर्न आएंगे तो शायद यहाँ से देख सकते हैं अभी कितना खाली हुआ है, वहाँ पे जैसे दिख रहा है वहाँ से पानी चालू है और जब बाढ़े आते जैसे कि यहाँ पर समुंदर का पानी आ जाता है तो वहाँ से वहाँ तक आ जाता है, तो अभी तो खाली हुआ है जैसे कि। और यहाँ से सिर्फ इतना दूर दिख रहा है जितना दूर आपको दिख रहा है कुलाबा फोर्ट, वो आपको दिख रहा है, वहाँ पे हमको जाना है और यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी पे तो होगा ही। और यहाँ से हमने बताया एनिमल्स का और हॉर्स जैसे घोड़ा का अगर आपको सवारी करना है तो 100 रुपीज़ आपको चार्ज लगता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यार आते हैं घूमने के लिए, जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट लोग घूमने के लिए, बाहर के लोग, और हम भी आ जाए हैं और हमारे चार साथी। और यहाँ पर कलिंगड़ हमने जो खाया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और भी लिए हैं और चल के वहीं पर खाते हैं और जितना मज़ा आएगा हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। और अगर आपको आना है तो जैसे हमने आपको बताया वहाँ से हमने ऑटो ली, उसके बाद लेने के बाद वहाँ से फिर आया इधर क्या बोलते हैं अलीबाग बीच, फिर यहाँ से हमको जैसे कि वहाँ पर ड्राइव किया था ऑटो, लेकिन हमें जाने के लिए यहाँ से सिर्फ अभी जैसे कि अगर कोई और टाइम जैसे कि सुबह आओगे तो यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी लगा रहता है, जैसे कि हमारे बैक साइड में देख सकते हैं इधर केवल बीच में ही खाली है पानी और इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, दोनों साइड में पानी है, लेकिन यहाँ पे बीच पे देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। तो यहाँ से हम चलते हैं और आपको वहाँ पे एंट्री कराते हैं और दिखाते हैं कि कुलाबा फोर्ट में क्या क्या है, क्या रहस्य है, ये सब बताएंगे। यार अगर हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना। ये लोग रिटर्न आ चुके हैं कुलाबा फोर्ट देख के और उसके बैक बगल ही जस्ट बगल ही जा रहा है एक हॉर्स घोड़ा जा रहा है, घोड़ा सवारी करे हुए हैं और वो जाएगा कुलाबा फोर्ट और उधर ड्राइव करता है। और हम भी फर्स्ट बार आए हुए हैं अलीबाग बीच, क्योंकि हम भी कभी मुंबई में आए तो हमें काफ़ी दिन हो गए थे लेकिन अलीबाग अभी तक कभी नहीं आए थे, लेकिन अलीबाग आज ये भी सपना पूरा हो गया कि मैं अलीबाग आ गया। और यहाँ से देख सकते हैं ये जा रही है घोड़ा सवारी और यहाँ इस पर 4 लोग एक बार में सवार हो सकते हैं, मतलब एक लोग का एक सीट का होता है 100 और 4 लोग का 400। तो यार जैसे कि 400 में ये थोड़ा जाता है। इस फोर्ट में हम लोग एक खुफिया रास्ते से आए, जैसे कि ये देख रहे हैं ये था उसके
बगल में था उनका एंट्री गेट, लेकिन हम लोग एंट्री गेट से नहीं आए, इधर साइड से आए और ये पानी जो आपको दिखा है इधर से मैंने प्यार किया। और ये जो मेरा साथी बगल वाला दिख रहा है आपको येलो कलर वाला टी शर्ट वाला, ये बोला कि ऐसे चलो इधर चलोगे तो आपको बिल्कुल भी एंट्री देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंट्री फीस नहीं देना पड़ेगा, और यहाँ से चलोगे तो सीधे यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं दिखाते हैं हम आप सबको बिल्कुल फ्री में एंट्री। अगर आप सबको ऐसा ही आना तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना, मैंने बिल्कुल फ्री में इसमें एंट्री करने वाला हूँ। और ये जो है ये मेरा दोस्त सबसे ज़्यादा कमी नहीं है। तो हम सब ने अलीबाग बाज़ार से आके ये सब लिया, केला लिया और मुरादाबादी बिरयानी लिया और यहाँ पे आम लिया, और ये जो दरबार है इसी के बगल बिल्कुल हम लोग खा रहे हैं। और ये सब हम लोग खाने के बाद फिर से व्लॉग आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये सबसे पहले खा ले रहा है और अच्छी नहीं है। और जो आज हमारा गाइड है ना यही है और यही पूरी जानकारी देगा इसके लिए। बिरयानी कैसे लग रही है आपको? बहुत टेस्टी है भाई, तो एकदम नंबर एक बिरयानी बनी है। एक नंबर की बिरयानी ये बोल रहा है कि नंबर वन थी, लेकिन ये बोल रहा है कि बिरयानी काफी महंगी है। और ये भाई कुछ नहीं बोलते, सिर्फ बैठे और खाते हैं बस। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं चलने वाला हूँ इसके अंदर और ये देख सकते हैं हमारा गाइड चला गया है अंदर। तो हम चलते हैं दिखाते हैं ये गुफा के अंदर क्या है। तो ताला भाई है, और देख सकते हैं यहाँ पे पानी है आगे और ये लोग गए हैं उधर। लाइट फोन के लाइट से दिखेगा थोड़ा थोड़ा, चलते नहीं यार। और उस गुफे में जैसे ही मैंने 5-10 कदम रखा उसके बाद हमें मिल गया पानी। और वो पानी जो था ना गाइस आपको हम दिखा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था और पानी इतना क्लियर था, बिल्कुल साफ, जैसे कि लग ही नहीं रहा था कि ये इसमें गंदा होगा, ये पानी कचरा होगा। और तो बिल्कुल कचरा नहीं था, ये पानी इसलिए रोका गया था कि जो सफ़र वाले आते हैं जैसे कि उनको वसू करना रहता है या हाथ मुँह धुलना होता है पीने का होता है, तो इसमें आके वो सब लोग आगे पानी पी लेते हैं और हाथ मुँह धो लेते हैं और उनका थोड़ा ठंडक मिल जाता है, तो इसीलिए वो पानी को रोका गया है। और वो पानी कैसे आता है हमको तो नहीं पता है, लेकिन वो जो पानी था ना बहुत ही क्लियर था। और गाइस मैंने एक ब्लॉग वीडियो देखा था कुलाबा फोर्ट का, और उसमें दिखाया था कि ऐसे तोप है यहाँ पे जो कि बिल्कुल ठंडी रहती है, बिल्कुल भी ठंडी रहती है। और ये जो तोप है ये हमारे बैक साइड में दिख रहा होगा और हम आपको दिखाते हैं, ये जो तोप है ना एक बिल्कुल ठंडी रहती है और एक गर्म होती है, और दिखाते हैं जैसे कि टेम्परेचर रहता है उस हिसाब से रहती है, और एक बिल्कुल ही ठंडी रहती है और ये जो है गर्म है, बिल्कुल ये गर्म है। और ये वाली हम आपको दिखाते हैं, ये जो है ये ठंडी है, ये ठंडी है और ये गर्म है। तो गाइस ये जो हम देखे थे ना व्लॉग वीडियो पे देखे थे, और ये काफ़ी क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी गजब। जैसे कि मैंने आप सबको अलीबाग कैसे आना है ये भी बताया, और आप सबको हमने दिखाया कुलाबा फोर्ट। और ये जो फोर्ट है ना यहाँ जो जिस लोकेशन पे अभी खड़े हैं यहाँ से पूरा का पूरा लोकेशन दिखता है, और ये जो फोर्ट है बहुत ही प्यारा लगा हमको। और इस फोर्ट में आने के लिए आपको 200 चार्ज लगता है जो कि आपको एंट्री गेट पर ही टिकट मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को करना लाइक, और आप सब क्या बोलना चाहते हैं हमारे चैनल के बारे में? ये बोल रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारी यूट्यूब चैनल को करना सब्सक्राइब ऐसे व्लॉग देखने के लिए। फिर से किसी नए व्लॉग में मिलते हैं, तो वीडियो को करते हैं।